हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था ऐसे ड्रग के बारे में जो कि हिस्टामिन के रिलीज को और उनके एक्शन को ब्लॉक करते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। और उस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन देखा था अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक, बट हमने फॉलो किया किरी त्रिपाठी का स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने उनको क्लासीफाई किया था एज पर हाईली सेडेटिव, इंटरमीडिएट सेडेटिव, माइल्ड सेडेटिव और सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के बारे में। उसमें हमने ये देखा कि जो ड्रग सेडेटिव हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके क्या कुछ लिमिटेशन हैं। तो आज हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए स्पेसिफिक तरीके से बात करेंगे ऐसे ड्रग के बारे में जो कि सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के एग्जांपल हैं, और उनके जो प्रॉब्लम थे यानी कि हमारे जो H1 कैटेगरी के ब्लॉकर थे जो कि सेडेटिव थे या फर्स्ट जनरेशन के थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए इन सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक को स्टार्ट किया गया यूज करने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी टॉपिक वही है, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट यानी कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ऐसे सारे ड्रग जो कि हिस्टामिन के रिलीज को उनके एक्शन को ब्लॉक करते हैं उनके वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कहलाते हैं। बेसिकली इनको इनके रिसेप्टर पे एक्ट करने के अकॉर्डिंगली इनको सब टाइप में डिवाइड किया गया है, H1, H2, H3 और H4। आज का जो वीडियो है वो भी पिछले वीडियो की तरह H1 ब्लॉकर पे ही फोकस्ड होगा, और H1 ब्लॉकर के अंदर के जो क्लासिफिकेशन है इनमें हम आपका चौथा क्लासिफिकेशन या कह लीजिए सेकेंड जनरेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। क्या होते हैं सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग? अगर आपने क्लासिफिकेशन को समझा होगा अलग अलग बुक में तो एक चीजें कॉमन निकल करके आती हैं कि जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनको मेजरली दो क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, ऐसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो कि सेडेशन कॉज करते हो, अलग मैटर है कि सेडेशन कम ज्यादा या इंटरमीडिएट हो। दूसरा, ऐसे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो कि सेडेशन कॉज नहीं करते हैं, और कुछ बुक में इनको फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जनरेशन के जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग थे उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम ये थी कि वो सेडेशन कॉज करते थे, ड्राउसीनेस कॉज कर सकते थे, और ड्राउसीनेस के साथ साथ कभी कभी आपके जो कोऑर्डिनेशन है इनमें इम्प्रॉपर बैलेंस बराबर भी कॉज कर सकते थे, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत कर सकते थे, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड में दिक्कत कर सकते थे। तो ये इनकी कुछ साइड इफेक्ट थे। इनको ओवरकम करने के लिए न्यूअर इन्वेस्टिगेशन हुए, रिसर्च हुए, और उसके बाद जाकर के सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को लॉन्च किया गया। तो जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं सिट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन और आपका लोराटिडीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हैं जो आजकल मैक्सिमम अमाउंट में मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि इनके एसोसिएटेड जो सेडेशन या डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, इनको ओवरकम किया जा सके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इनके डिप्रेशन की एक्टिविटी थी वो काफी कुछ डिपेंड करता था इनके ब्लड ब्रेन बैरियर में पेनेट्रेट कर पाने की एबिलिटी को लेकर के। तो आज ये जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनकी इन्हीं प्रॉपर्टी को काफी हद तक कम कर दिया गया है, यानी कि ये अब ज्यादा कैपेबल नहीं है आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इफेक्ट दे पाने के लिए। यही एक मेन रीजन है, और इसके साथ कुछ और रीजन इसको हम देखने वाले हैं कि ये जो ड्रग हैं वो सेफर हैं एज कंपेयर टू H1 के ब्लॉकर थे जो फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल थे उनसे बेटर हैं। चलिए एक लाइन में एक चीज और भी समझ लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। ये जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग थे ये कब मार्केट में लॉन्च हुए, और इनको कब या किन किन ड्रग को हम सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कह सकते हैं? तो साफ साफ लिखा हुआ है, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आर स्पेसिफिकली H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिनका जो मार्केट वैल्यू आ गई वो आ गए आपके 1980s में। तो 1980s के बाद जो मार्केट में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आए इनको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में कुछ लिमिटेशन थी, और इन लिमिटेशन को ओवरकम किया गया आपके सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, ताकि आपको जो लिथर्जी थी, फैटिक था, डिप्रेशन था, सेडेशन था, इनको ओवरकम किया जा सके। इनके अलावा जो हमारे सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनमें कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो इनको बेटर साबित करती है आपके फर्स्ट जनरेशन या सेडेशन कॉज करने वाले एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से। तो चलिए ये पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एंड सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। दिस सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आर सुपीरियर एंड मच बेटर देन द फर्स्ट वन बिकॉज दे आर सेलेक्टिव H1 ब्लॉकर। आपके जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग थे वो भी H1 ब्लॉकर थे, लेकिन जो आपके सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं ये मोर स्पेसिफिकली ज्यादा कंसाइज वे में आपके H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। साथ साथ इनमें एक पॉइंट और भी लिखा गया है, नो एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग थे उनमें एंटीकोलर्जिक ड्रग के जैसे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमने बात किया कि थोड़ा सा सेडेशन, थोड़ा सा ड्राउसीनेस और आपके कोऑर्डिनेशन या कंसंट्रेशन में कमी हो जाना, ये उनसे एसोसिएटेड थे। लेकिन ये प्रॉब्लम को आपके सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के साथ अलग कर दिया गया, उनको सॉल्व कर दिया गया। तो ये एक एडवांटेज है हमारे इस कैटेगरी के ड्रग का।
दूसरा है नो सीएनएस डिप्रेसेंट, इस पॉइंट पे भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नो सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी। फर्स्ट जनरेशन के साथ यही दिक्कत थी कि उनको हैवी मोटर व्हीकल ड्राइव करने वाले यूज नहीं कर सकते थे व्हाइल ड्राइविंग, जो हैवी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को असेंबल करते थे या कोई मैकेनिकल वर्क करते थे, हैवी वर्क करते थे, उनको ये अलाउ नहीं किया जाता था या उनको ये अंडरस्टैंड किया जाता था कि इस तरह के ड्रग को एक्चुअल एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को ना लें, क्योंकि उनको इसकी वजह से सेडेशन कॉज हो सकता है, नींद कॉज हो सकती है और मेजर एक्सीडेंट होने की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। क्यों ये प्रॉब्लम था ये भी हमने क्लियर किया, क्योंकि उन ड्रग की जो कैपेबिलिटी थी आपके ब्रेन तक पहुंचने की वाया ब्लड ब्रेन बैरियर वो थोड़ा सा ज्यादा था एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम कॉज करते थे। चूंकि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एड हो गई है अब हमारे सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, तो दे आर नॉट सीरियस डिप्रेशन एक्टिविटी। क्यों? यही कारण है क्योंकि ये पुअरली डिफ्यूज होते हैं, पोली डिफरेंट पेनिट्रेट होते हैं आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में, और चूंकि ये जो पूरी एक्टिविटी है सेडेशन की डिप्रेशन की वो इसी बात पे फोकस है कि कौन सा ड्रग कितने अमाउंट में आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाले जो बैरियर है उनसे प्रिवेंट करने वाले जो बैरियर हैं बायोलॉजिकल बैरियर हैं बीबीबी इनको क्रॉस कर सकता है, दैट इज द रीजन मेन। अगले बात हम बात करते हैं एडिशनल एंटी एलर्जिक एक्टिविटी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो हमारे H1 कैटेगरी के ब्लॉकर हैं और खास करके सेकंड जनरेशन की जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग से कुछ बेटर अमाउंट में एंटी एलर्जिक एक्टिविटी शो करते हैं, इनका जो काम करने का तरीका है वो उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब वो क्या क्या चीजें हैं बेसिकली अगर हम इनको एक लाइन में समराइज करें तो आप पाएंगे कि दे मॉडिफाई द एक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। हमारे जो सेकेंड जनरेशन एक्टिविटी है आपके एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की वो साइटोकाइनिन के मॉडिफाई करते हैं, साथ साथ ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटर फैक्टर है इनको भी रेगुलेट करते हैं मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरीके से जो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी थी वो आपके फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकेंड जनरेशन में भी है, लेकिन सेकेंड जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन के जो कॉमन है उनके अलावा भी कुछ अदर एक्टिविटी है जो कि आप देखते हैं साइटोकाइनिन को मॉडिफाई करके प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को मॉडिफाई करके लिया जाता है। अगला हम बात करते हैं इनके प्रिंसिपल एक्शन की, दिस इज अ नॉट फार्माकोलॉजिकल एक्शन although these are the principal action, यानी कि उनका जो main action है जिसके कारण से हम इनको अलग से एक categorize कर सकते हैं in second generation antihistaminic drug। तो चलिए अब हम इनके बारे में भी short में देख लेते हैं कि इनकी खास activity क्या क्या है। पहला है allergic rhinitis, जहां पे आपने देखा है कि नाक का पानी की तरह बहना, नाक से पानी की तरह जो लिक्विड है इनका बहना, ये डिपेंड करता है जब आपके नाक चोक ना हुए हो, बिना चोक कंडीशन में एक वाटरी जो सेक्रेशन होगा ये भी आप कह सकते हैं, या इस तरह के जो नोज की एक्टिविटी है इनमें किस तरह का इन्फ्लामेशन हो सकता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकते हैं, रेडनेस आ सकती है, इनको समराइज करके कोलैबोरेटिव रूप से हम इस तरह के देखने के देख सकते हैं कि ये जो ड्रग है वो उस प्रॉब्लम को ठीक करने में यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा है कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस की भी प्रॉब्लम को काफी हद तक जो आपके एलर्जन की वजह से स्टार्ट होते हैं इनको भी रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। आंखों में आप स्वेलिंग देखे होंगे, एक आपके कंजक्टिवाइटिस साइट पे आपके एक चिपचिपे पदार्थ बनते हैं जिसको अपन कीचड़ के नाम से जानते हैं जनरली, वो भी उनका ज्यादा बनना प्रोडक्शन होना इस तरह के कंजक्टिवाइटिस का एक सिम्टम्स है। तो इसकी भी प्रॉब्लम को आपके जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं वो कम कर सकते हैं, ये इनके प्रिंसिपल एक्शन में से कुछ इंक्लूडेड है। अगला जो है वो है हे फीवर को ठीक करते हैं, हे फीवर भी एलर्जिक रिस्पॉन्स है जहां पे आपकी आंखें में थोड़ा सा रेडनेस देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिलेंगी, तो इस तरह के जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है ड्यू टू हे फीवर और ड्यू टू सम एलर्जिन इनको भी हमारे सेकेंड जनरेशन के जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं ये कम करने का काम करते हैं। इनका जो एक और काम है वह है पॉलिनोसिस को कंट्रोल करते हैं, पॉलिनोसिस कहने का मतलब यह है कि आपके कंट्रोल करेंगे स्नीजिंग को, रनी नोज को, इची आई को, रेड आई को। बेसिकली ये देखा गया है कुछ लोगों में ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं जब किसी पोलन की वजह से उनमें कुछ आपकी स्नीजिंग आएगी, इचिंग आएगी और कुछ हद तक आपके जो नाक है उनमें से जैसे पहले हमने बात किया वो पानी की तरह बहने लगेगा। तो ये जो पोलेंस की वजह से प्रॉब्लम होती हैं इनको भी अंडरएस्टिमेट करके उनके प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। ये जो सारे एक्शन हैं ये तो उनके मेन प्रिंसिपल एक्शन हैं, इनमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड है कि ये जो सेडेशन का कॉज करते थे हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले वो अब इस केस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दीज आर सुपीरियर एक्शन एज कंपेयर टू एच वन ब्लॉकर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं तो अगला जो इनका प्रिंसिपल एक्शन है अर्टिकारिया, जिसके बारे में भी हमने बात किया था, स्किन में छोटे छोटे पैचेस जैसे बनने लगेंगे, रेड रेड और इस तरह के धब्बे देखने लगेंगे, ये इचिंग भी कॉज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ये अर्टिकारिया कहलाता है। इसके बाद है डर्मोग्राफिज्म, यहां भी आप देखेंगे कि एक स्किन में एक प्रकार से जैसे हमने पिछले डिस्कस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक लाइनिंग जैसे आएगी, ट्रिपल रिस्पॉन्स आएगा, उसी तरह की भी यहां पे एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसके बाद है एलर्जिक ड्राई ट्रीटमेंट,
एलर्जिक ड्रग ट्रीटमेंट के कारण से जब ड्राई कुछ चीज हो जाती है, आपके सलाइवा में ड्राइनेस आने लग जाता है, या फिर कुछ ऐसे ड्रग जो कि आपके साइड इफेक्ट कॉज करते हैं और उन साइड इफेक्ट की वजह से एलर्जी होती है, इन तरह के ड्रग इंड्यूस एलर्जी को भी आपके जो H1 ब्लॉकर हैं सेकेंड जनरेशन के, ये भी यूज किए जाते हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम है इनको ओवरकम करने के लिए। तो ये हो गए कुछ इनके प्रिंसिपल एक्शन जो कि मेजर हैं, ये स्पेसिफिक हैं आपके सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के लिए। अब हम बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजिकल यूज के बारे में। लगभग ये सब वैसा का वैसा है जैसा आपने आपके फर्स्ट जनरेशन के साथ में देखा था, एक आध दो कुछ एक्स्ट्रा होंगे। यहां भी एक चीज रिपीट करना चाहेंगे कि इनका जो एक्शन है उनमें बहुत कम सेडेशन होता है। कुछ पर्सन ये भी रिपोर्ट करते हैं कि जो हमारे सेकेंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं जैसे सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, इनको लेने के बाद भी माइल्ड एक प्रकार से नींद या ड्राउसीनेस आता है। तो ये प्रकार से ये जो रिपोर्ट है केडी त्रिपाठी में लिखा हुआ है कि ये एक प्रकार से प्लेसिबो के जैसा इफेक्ट शो करते हैं, वैसे कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करें और सेडेशन कॉज करें। दिस इज द काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। तो हम बात करते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल यूज के बारे में। पहला यूज है एलर्जिक डिसऑर्डर, ऐसे केस में जहां पे कोई कंडीशंस ऐसी हो रही हो जो कि किसी एलर्जन की वजह से हो रहे हो, तो उनको ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। किनको किनको ब्लॉक करेंगे? दे ब्लॉक द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। क्योंकि आप ये जानते हैं कि एलर्जी का रिस्पांस है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन की वजह से होता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होंगे तो आपके जो बाइंडिंग साइट है एपिटोप है, इसमें हमारे एंटीजन बाइंड होंगे और हमारा जो मास सेल है उस मास सेल को ओपन करेंगे, डीग्रेनुलेशन करेंगे, जिसकी वजह से जो हिस्टामिन अंदर में प्रेजेंट है एज अ ग्रेन्यूल वो रिलीज होगा, जैसा कि आपने पिछले वीडियो के एनिमेशन में देखा होगा। इस वीडियो के लास्ट में भी हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो एंटीजन है वो स्पेसिफिकली एंटीबॉडी ऑफ मास सेल में बाइंड होने की वजह से वो हिस्टामिन के रिलीज को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में, तो ये जो ड्रग है वो आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को तो अफेक्ट नहीं करेंगे, उनको तो कम नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद जो आपके हिस्टामिन रिलीज थे इनको अफेक्ट करेंगे और इनके रिलीज को इनहिबिट करके अल्टीमेटली या जो आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे थे इनको सप्रेस या इनहिबिट करने का काम करेंगे। तो इस तरह से ये जो है ड्रग आपके सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ये एंटी एलर्जन का भी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की, तो है अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ऐसे रिएक्शन से हैं, ऐसे एलर्जिक सब्सटेंस से हैं जो कि बेसिक एलर्जिक रिस्पांस के अलग होते हैं, जैसे अदर हिस्टामिन रिलीज। और कौन कौन से कंडीशंस हैं जहां पे हिस्टामिन रिलीज हो सकते हैं? तो हमने बताया इंसेक्ट बाइट की वजह से, जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे थे, कभी भी कोई मॉस्किटोज, इंसेक्ट, इस तरह के एंट अगर आप बाइट करते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पे हिस्टामिन का जो रिलीज है वो स्टार्ट हो जाता है और उसके कारण से जो एलर्जिक रिस्पांस देखने को मिलेंगे, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इस तरह की कंडीशन को भी, इंसेक्ट बाइट को भी कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हम सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को यूज कर सकते हैं जो कि बेसिकली H1 ब्लॉकर हैं, H1 हिस्टामिन ब्लॉकर हैं। अगला जो यूज है उनका है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में हम आजकल इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी ये दिया जाता है, कभी कभी ओवर द काउंटर ड्रग के फॉर्म में ले लिया जाता है जिसको लेना नहीं चाहिए ऑल्दो। तो ये जो ड्रग है वो कॉमन कोल्ड में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, आपके जो नोज से बह रहे हैं वाटर रिसेप्शन इनको इंड्यूस करने के बजाय ये इनको कम करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये आपके कॉमन कोल्ड में भी यूज करते हैं। जो एलर्जिक की वजह से स्नीजिंग, छींक आती है इनको भी ये कम करने का काम करते हैं, तो सिम्टोमेटिक एक्शन देते हैं। साथ साथ यहां पे एक चीज और लिखी हुई है, ये है रिड्यूस रिनोरिया, जो हमने अभी कहा कि नाक से जो एक पानी जैसा सब्सटेंस फ्लो होता है ये कहलाता है रिनोरिया, तो इनको भी ये इनहिबिट करने का काम करते हैं। साथ साथ ये जो आपके सर्दी और बाकी जगह के जो बॉडी पेन के साथ जो ड्राउसीनेस, सेडेशन की कॉज कारण होते हैं इनको भी ये इनहिबिट करके आपको थोड़ा सा अवेकफुल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉमन कोल्ड में इस तरह से जो हमारे सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है वो यूज किए गए। अगला जो इनका एक्शन है वह है मोशन सिकनेस में। जब कभी भी कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी ऐसे जगह पे ट्रैवल करता है हायर एल्टीट्यूड पे, राउंडिंग राउंडिंग सस्टेंस पे, वहां पे उसको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हमारी बॉडी एक सर्कल जैसा फील करने लग जाती है, एक राउंड राउंड हाई स्पीड रोटेशन की तरह फील करने लग जाती है और अपने बॉडी के जो कोऑर्डिनेशन है इनको मेंटेन नहीं कर पाता। ये आगे जाकर के वोमिटिंग या नौजिया भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अगर हम H1 ब्लॉकर जो कि आपके सेकेंड जनरेशन के रिसेप्टर ब्लॉकर हैं ये अगर हम यूज किए एक घंटे
पहले, तो वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज कोट किया गया है कि ऐसे ड्रग जो कि मोशन सिकनेस में यूज किए जाते हो एज अ एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, इनको ट्रैवलिंग से, जर्नी से एक घंटे पहले लेना चाहिए ताकि वो आपको ड्यूरिंग जर्नी, ड्यूरिंग आवर आपको जो है उनका जो पर्पस है लेने का वो प्रोवाइड कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो प्रोमेथाजिन वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर ड्रग यूज इन द मोशन सिकनेस केस, ये हो गया आपके। अगला जो हम पॉइंट बात करते हैं वो है वर्टिगो। जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा ऊंचाई से आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा घूमने लगेगा आपको, तो वहां भी इसे कंडीशन में ओवरकम करने के लिए जो हम सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं इनको यूज कर सकते हैं, इनका जो यूज है वो यहां भी है। अगला है जो कफ सिरप यूज करते हैं कफ के ट्रीटमेंट में। कफ के लिए कहने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्सपेक्टोरेंट की एक्टिविटी शो करेंगे या सप्रेशन की एक्टिविटी शो करेंगे या आपके जो इरिटेटिंग सब्सटेंस हैं इनको मास्क करने का काम करेंगे, ये इस तरह की एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। लेकिन जो एलर्जन की वजह से एक्सेसिव में म्यूकस सिक्रेट हो रहे हैं आपकी गॉबलेट सेल की वजह से, जिनके कारण से आगे जा करके आपको एक इरिटेशन कॉज हो रहा है, इन इरिटेशन को ड्यू टू द हिस्टामिन रिलीज, ड्यू टू द मास सेल ब्रेकडाउन, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था एक्सेसिव म्यूकस की वजह से, इनको ये ओवरकम करके आपको रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे। सो आज के जो कप सिरप मैक्सिमम आप में देखेंगे एलर्जेंस की है, एलर्जिक कफ की जो केस में है वहां पे सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, इस तरह के जो और कैटेगरी के ड्रग हैं इनको यूज किया जाता है, वो भी प्रिस्क्रिप्शन में अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहां भी इन चीजों को ध्यान रखा जाता है क्योंकि कुछ हद तक जो पुराने कफ सिरप थे उनमें ड्राउसीनेस कॉज करने की एबिलिटी थी, तो आजकल के जो सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन कंटेनिंग कफ सिरप हैं इनमें थोड़ा सा कम हुआ है। कुछ लोग जो अभी भी डिस्कस करते हैं कि इसके कारण से नींद आती है वो एक प्लेसिबो इफेक्ट है उस ड्रग का। अगला जो इफेक्ट है वो है इनका पार्किंसनिज्म में भी कुछ इफेक्ट देखने को मिला है हमारे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का। ये जो पार्किंसन के केस में इम्बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एस्टाइलकोलिन है, इनके लेवल को तो ये फ्लक्चुएट नहीं करते हैं लेकिन एनी हाउ उस तरह के केस में ये थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में ज्यादा कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म या जानकारी अवेलेबल नहीं दिया गया है लेकिन ये चीज कोट की गई है कि ये आर रिस्पॉन्सिबल इन पार्किंसन ऑल्सो। अर्दलास हम बात करेंगे तो प्री एनाल्जेटिक ड्रग के बारे में भी इनको यूज किया जा सकता है फॉर अचीविंग अ प्री एनाल्जेटिक एक्शन। नाउ व्हाट इज अ प्री एनाल्जेटिक एक्शन, इसके बारे में हमने आपके नए चैनल फार्मेसी डिक्शनरी में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एनेस्थेसिया बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन से रिवर्सिबल लॉस किया जाता है पेन के परसेप्शन को। दो तरीके के होते हैं, लोकल और जनरल। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई करके उसके पेन के सेशन को ब्लॉक किया जाए तो ये लोकल एनेस्थेटिक कहलाता है, लेकिन अगर यही पेन का सेशन ओवरऑल बॉडी में कम करने के लिए हम कोई ड्रग यूज करें सिंपली नोन एज अ जनरल एनेस्थेटिक। तो आज का जो टर्म है ये आपका प्री एनेस्थेटिक एक्शन और ड्रग, ये इसी जनरल एनेस्थेटिक के केस में यूज किए जाते हैं। ऐसे सारे ड्रग जो कि जनरल एनेस्थेसिया देने से पहले दिया जाए ताकि उनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम को और जो दिक्कत कॉज हो सकती है इनको मैक्सिमम तरीके से कम किया जाए, ऐसे ड्रग हम कहते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग। इनमें एंटी सिक्रेटरी ड्रग भी आते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा, तो जो एचसीएल सिक्रेशन इनको कम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं तो यहां भी इनको यूज किया जाएगा। आगे जाकर आप देखेंगे एच2 ब्लॉकर में वो भी अच्छे समझ में आ जाएगा। जो एंजाइटी है, जो एलर्जन है, जो पेन है, इनको भी ब्लॉक करने के लिए अदर ड्रग यूज किए जाते हैं। तो यहां पे इनका जो रोल है वो यही है कि आपके बेसिकली जो एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकते हैं, स्टमक रिलीज हो सकते हैं, इनको इनहिबिट करके आपके एनेस्थेसिया के प्रोसेस को स्मूथली बनाया जाए। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस किया आपके सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने इनके पूरा क्लासिफिकेशन फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था, अगर आप उसने मिस कर दिया है उस पॉइंट को तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज का जो रेफरेंस है वो KD त्रिपाठी का 8th यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। अगर आप चाहें तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑल्दो ये आपको KD त्रिपाठी में मिल जाएगा। हमने इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे पार्ट में हम बात करेंगे एकदम शॉर्ट में, बहुत एकदम सिंपल वर्ड को यूज करते हुए, जो अदर टाइप के H2, H3 और H4 रिसेप्टर ब्लॉकर हैं इनके केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।